नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि सम्मान अभियान के द्वारा कर्णावर्ती महानगर पालडी इलाके में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में बजरंग दल और हिंदू परिषद के काफी युवा बाइक के साथ रैली में शामिल हुए। इस रैली में भगवान राम के जयनाद किए गए और काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने इन युवा कार्यकर्ताओं से बात की, देखिए। जी हाँ, आज गुजरात के बजरंग दल के द्वारा एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया है और हमारे साथ जो गुजरात बजरंग दल के प्रमुख जो है हमारे साथ जुड़ गए। जिस प्रकार से जिस रैली का आयोजन किया गया, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें बताएंगे। ये रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि लाखों सालों से जो इंतजार हिंदू समाज को था, पूरे देश को था, वो इंतजार खत्म हुआ है और आने वाले दिनों में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। तो गुजरात समेत भारत के प्रत्यक्ष घर घर अभियान का जो अभियान शुरू हुआ है, जो संतों महंतों के आशीर्वाद से, तो ये रैली का मात्र एक ही उद्देश्य है कि घर घर से समर्पण मिले, जन जन से समर्पण मिले, प्रत्येक व्यक्ति का भाव अयोध्या से जुड़े। इस हेतु से पालड़ी भाग के अंदर बजरंग दल के द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से युवा लोग भी, युवा धन भी यहाँ पे जुड़ गए हैं, काफी सारे युवा लोग बाइक रैली के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा हो और बजरंग दल के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, बजरंग दल के साथ जुड़ने में तो एक सबके लिए एक आनंद की बात है। दूसरी बात यह है कि जब इतने सालों के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर में अपना क्या कहते हैं कि जो एक थोड़ा सा योगदान जो हम दे सकते हैं, 100% तो नहीं दे सकते कोई, लेकिन 1% भी अगर हम दे सके तो ये हमारे लिए हमारा सौभाग्य होगा। इसीलिए सारे युवा तन मन और धन से राम श्री राम जी की सेवा में और राम मंदिर के निर्माण के लिए जुड़े हुए हैं और भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना हो, ऐसी एक भावना के साथ हर एक युवा अभी इस रैली में और हमारे साथ इस अभियान में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से बजरंग दल के जो जनक सिंह है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना है कि आप बजरंग दल के बारे में? ओनली जय श्री राम। बजरंग दल पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में बजरंग दल का कार्यकर्ता है और विशेषकर कर्णावती महानगर में जीतू भाई हमारे अध्यक्षता में जन जागरण में बजरंग दल के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुट गए हैं और घर घर जाके जो आज की सरकार ने, जो भारत सरकार ने 500 साल की लड़ाई का जो अंत किया है और जो उत्सव का मौका दिया है प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का, उसमें जुट गए हैं। खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना भूतो ना भविष्यति, आजादी से पहले जो विभूतियां मिली है वो मिली, आजादी के बाद जो हमें मिली है इनको संजो के रखो भाई साहब। ये नरेंद्र मोदी ना भूतो ना भविष्यति है, इनको संजो के रखो। इनको अभी और 10 साल नरेंद्र भाई को दिए तो अपने विश्वगुरु बन जाएगा यह भारत और आने वाले समय में ये जो पहले अपने सोने की चिड़िया थी, जो विश्वगुरु था, वो विश्वगुरु हिंदुस्तान बन के रहेगा। जी हाँ, बजरंग दल के जो रैली में खास करके आयोजन किया गया था। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। बजरंग दल के जो रैली में है काफी सारे सूत्रचार के राम भगवान के सूत्रचार के साथ जुड़ गए और मेरे साथ में कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, काफी उत्साह और माहौल के साथ इस रैली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राम जी का जय जयकार हो रहा है और काफी उत्साह है युवा धन में और जो बुजुर्ग लोग में हो भी जुड़ गए हैं और काफी उत्साह के साथ रैली का आयोजन यहाँ पे पूर्ण और स्टार्टिंग होने जा रहा है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને હજી આંધી મોટી રેલી એક આપણે કરવાની છે, આ ટ્રેલર છે, પિક્ચર બાકી છે, શ્રી રામ ભક્તો અને આપણા મહાનગરના પ્રમુખ જીતુભાઈ, બજરંગ દળના પ્રમુખ જીતુભાઈ, આદરણીય જીતુભાઈ, રાજેશભાઈ આવો, તમે આવો, પછી આવો, શરૂ કરો, જય જય